हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। हम ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुकी हैं और बहुत सारे अभी पेंडिंग हैं, तो हम थोड़ा स्पीड में भी करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की थ्योरी के मेरे नोट्स, जो मैंने अपने एग्जाम टाइमिंग में मेरा वे था थ्योरीज को रिमेंबर रखने का, क्योंकि 4-5 थ्योरीज हो जाती हैं तो हमें समझ नहीं आता किस थ्योरी में क्या करना था। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके, या तो मैं वन बाय वन करके आपको दे दूंगी, या फिर सारी थ्योरीज करने के बाद में मैं एंड में एक वीडियो में अपने नोट्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो मैंने अपने एग्जाम टाइमिंग में थ्योरीज को रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो सेशन पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दिया करो, आप लाइक करने में बहुत कंजूस। जो ये वाले पिक्चर थी कि इसका फोल्डिंग यहाँ पे वो डिफरेंस है, जहाँ पर बच्चे को नहीं आता उसको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। जैसे एक बच्चे को साइकिल नहीं आती है, उसके फादर ने उसको हेल्प किया और उस बच्चे को साइकिल चलानी, वो उसका फोल्डिंग है कि उसके फादर उसको हेल्प कर रहे हैं। जेड पीडी है जब उसके फादर ने पीछे से बैरिंग को छोड़ दिया और बच्चा अपने आप साइकिल चला रहा है। जेड पीडी मतलब वो अपने आप काम सीख गया जो उसको नहीं आता था, उसका फोल्डिंग जो उसको अब आ गया, हेल्प प्रोवाइड की गई, उसको हेल्प की जा रही है, और जेड पीडी उसने वो हेल्प से काम सीख लिया, वो अपने आप कर रहा है। आउट ऑफ रीच मतलब उसको हेल्प प्रोवाइड की गई तब भी उसने वो काम नहीं सीख। ठीक है, इसमें मैंने जो पिक्चर ली है वो एक ट्री और एक बच्चे की ली है, कि एक ट्री के ऊपर एक सेब टंगा हुआ है और एक बच्चा उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, बट उससे नहीं उतारा जा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा वो एप्पल कैसे ले आ, कोई भी फ्रूट है। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया टीचर ने, अब यहाँ पे एक टीचर ने सजेशन दिया तो टीचर एक मोर नॉलेजेबल अदर है। आपको ये डिपेंड करता है कि हेल्प किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, उसने बताया कि आप एक काम करो, एक स्टूल लेकर या ये कोई भी ऐसी बड़ी चीज़, दो बड़ी चीज़ लो जिसको आप एक के ऊपर एक रख सकते हो और उसके ऊपर चढ़ के आप एप्पल ले लो। अब ये था स्कैफोल्डिंग, जो किसी पर्सन ने आपको हेल्प प्रोवाइड की है कि आप ऐसे करके कर लो। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, बच्चे को समझ में आ गया, उसने चीज़ ढूंढी और अपने आप से ले लिया। ठीक है, अब जेड पी डी क्या आएगा कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चा अपने आप से एप्पल को उतार रहा है। ठीक है, उसको हेल्प प्रोवाइड की गई, बट पूरा का पूरा सीढ़ी तो नहीं लगा कर दी ना कि हाँ अब आप जाओ, वो किया तो उस बच्चे ने अपने आप ही है ना, तो वो जेड पी डी आ गया जहाँ पे बच्चा अपने आप करने लग जाता है। उसका फोल्डिंग बट पर्सन नीड्स हेल्प टू डू एनी टास्क। तो ये थी मेरी मेरा वे था, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे कि मैं किस तरह से रिमेंबर करूँगी इन थ्योरीज को, इस थ्योरी को एग्जाम टाइमिंग के लिए, कि उसमें क्या था, मुझे सिर्फ ये पिक्चर देखनी थी और मुझे सारा का सारी थ्योरी याद आ गई थी। तो ये है वे इस थ्योरी को लिखने का। नेक्स्ट हम आगे जो भी थ्योरी करेंगे, आई थिंक हम कॉलबर्ग की थ्योरी ही करेंगे नेक्स्ट, तो उसकी थ्योरी में भी मैं आपको पहले कंटेंट प्रोवाइड करूँगी तो, और फिर बाद में आपको ऐसे ही नोट दिखा दूँगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।